अच्छी मूवी थी। विक्की कौशल और सारा अली खान के लिए क्या बोलना चाहिए? दोनों अच्छे एक्टर हैं, बहुत बढ़िया। विक्की कौशल भी अपनी जगह बढ़िया थी, सारा अली खान भी अपनी जगह बहुत बढ़िया थी। सबसे बेस्ट पार्ट क्या लगा मूवी का? जो एंड में उन्होंने दिखाया है, जो गरीब को अपना घर देते थे, वो सीन बहुत बढ़िया लगा। 5 में से कितने स्टार? 5 में से 3.5। मूवी बहुत अच्छी है। विक्की कौशल और सारा अली खान के बारे में क्या? अरे कमाल की केमिस्ट्री है। और सबसे बेस्ट पार्ट कौन सा? बेस्ट पार्ट, फर्स्ट पार्ट अच्छा था, कॉमेडी थी, अच्छा चल रहा था। सेकंड पार्ट सीरियस हुआ, लेकिन ऐसा भी नहीं था कि आप कहोगे अरे बहुत सीरियस हो गई, अच्छा नहीं लग रहा, ऐसा भी नहीं था, मजा आ रहा था। बहुत अच्छा मुद्दा उठाया है मिडिल क्लास फैमिली का, जो पॉलिटिशियंस तो उठा नहीं रहे लेकिन फिल्मों में उठाया जा रहा है। अरे 4 ले लो। मूवी बोरिंग तो नहीं थी, मूवी काफ़ी मज़ेदार थी, इंटरेस्टिंग थी। उसमें यह भी दिखाया था कि किस प्रकार, मतलब जो विलेज में होता है, विलेज वाले लोगों के साथ होता है ना, वो रियलिटी दिखाई गई थी मूवी में। हाँ, उनकी एक्टिंग जबरदस्त थी, पर मेरे को एक्टिंग तो बढ़िया लगी, पर उनकी जो जोड़ी थी वो पसंद नहीं आई थोड़ा। टाइटल के साथ मूवी में आज बिल्कुल लगती नहीं लगी, बट भाड़ में जाए क्योंकि मूवी बहुत ही मस्त है। इट्स अ बिग टाइम फैमिली एंटरटेनर, एंड जो थिएटर हॉल जाना फिर से भरने वाले हैं, भर भर के भरने वाले हैं, बिकॉज अमेजिंग मूवी है। विक्की कौशल, आई जस्ट लव हिम एनी वेज, बट यहाँ पे सारा अली खान ने भी बहुत अच्छा काम किया है। बहुत ही कैंट मूवी थी और सारे कपल जरूर देखने आए। आई जस्ट लव द फिल्म, आई विल गिव इट 4 स्टार्स। आई थिंक सो लास्ट में थोड़ी खिंची हुई है मूवी, बट इट ठीक है, कोई बात नहीं, हम इतनी छूट दे सकते हैं क्योंकि कॉमेडी फिल्म थी। उन्होंने जन आवाज योजना के बारे में बात की है, विच इज़ अ वेरी 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 गुड स्कीम ऑफ गवर्नमेंट, और कैसे मिसयूज़ नहीं करना है। बट ये मैं कहूँगी कि बहुत प्रेडिक्टेबल मूवी थी, मुझे पता था कि घर किसको जाने वाला है। ओके ओके, मुझे थोड़ी मूवी स्लो लगी, बट आप फैमिली के साथ आ सकते थे। सारा और विक्की को कॉम्बिनेशन देखने को मिला, कैसा लगा? सारा की थोड़ी ओवर एक्टिंग थी, विक्की कौशल की बहुत अच्छी एक्टिंग थी, वो बिल्कुल एक मिडिल क्लास बॉय में अच्छे भी लग रहे थे। मूवी में कॉमेडी, रोमांस, इमोशन सब देखने को मिले, सबसे बेस्ट पार्ट क्या था? सबसे बेस्ट पार्ट था जो लास्ट में इमोशन होता है, जब वो सेपरेट हो गए थे दोनों, तब थोड़ा इमोशनल हुआ था। बाकी तो मूवी अच्छी है, फैमिली के साथ आप देख सकते हैं। एंटरटेनमेंट है, फर्स्ट हाफ अच्छा है, सेकंड हाफ थोड़ा सा स्लो हो जाता है। और जो सारा एंड विक्की, उनकी केमिस्ट्री अच्छी है, बट मुझे सारा ना थोड़ी ओवर लगी। हाँ लगी, पता नहीं क्यों, क्योंकि फिल्म में कुछ सीन्स थे जहाँ उनको ओवर एक्टिंग करनी थी, मैं स्पॉयलर्स नहीं दूंगी, तो बाद में भी उनका वही जोन रहा, तो मुझे वो समझ नहीं आया कि इतना ओवर क्यों कर रही हैं वो। फैमिली के साथ आ सकते हैं क्योंकि आजकल कम मूवीज होती हैं जब यू एक फैमिली एंटरटेनमेंट होती है, मार धाड़ होती है, वरना कुछ ऐसा कंटेंट होता है जो आप नहीं देख सकते फैमिली के साथ, यहाँ करके आप देख सकते हैं। सारा का तो थोड़ी मेरे को ओवर एक्टिंग लगी, क्योंकि सारा को एक्टिंग तो मेरे ख्याल से आती नहीं, तरंगी रे में ही करी थी, लेकिन विक्की कौशल की एक्टिंग तो मतलब भाई माइंड ग्रोइंग। मूवी में कॉमेडी, रोमांस, इमोशन तीनों चीज थी, सबसे बेस्ट पार्ट क्या लगा? मेरे को लगा सबसे बढ़िया कॉमेडी, जो फर्स्ट हाफ के अंदर कॉमेडी दिखाई है ना भाई, हंस के पेट में दर्द हो गया, इतनी ज्यादा कॉमेडी थी।